हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। सो फाइनल रिवीजन सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं नेट के लिए, क्योंकि बहुत हुई थ्योरी, अब प्रश्नों की बात। थ्योरी अपन ने सारे चैप्टर्स की देख ली, तो अब जो बारी हो किसकी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। काफी सेशंस ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, और आज के सेशन में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तंत्रिका नियमन एवं समन्वय, और दूसरा रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। दो चैप्टर्स के क्वेश्चन यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी के हर स्टेटमेंट से, हर पैराग्राफ से यहाँ पर क्वेश्चन बनाया जाए, और उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाए, जिससे आपको काफी हेल्प यहाँ से मिले। करना क्या है आपको, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं फटाफट से देखेंगे, यहाँ पर वीडियो को पॉज आप कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर आपको जो आता है वो अपने पेपर और पेन लेके बैठेगा, उसमें नोट करेगा, और लास्ट में आप देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो आपको वहां से देखना है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसका रिवीजन करना है, जो सही हुआ उसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। और भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं आपको मिल जाऊंगा अराइजन करियर अकेडमी से, वहां आप लोग सर्च कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। अपने डाउट की पिक्चर भी वहां पर आप भेज सकते हैं। सो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर उसके प्रश्न। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, आप देख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मस्तिष्क के सहभागी क्षेत्र हैं, ऑप्शन पहला लिखा है सदैव संवेदी तंत्र, दूसरा लिखा है सदैव चालक तंत्र, तीसरा लिखा है स्पष्ट रूप से न तो संवेदी नहीं चालक, और चौथा लिखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मस्तिष्क के जो एसोसिएशन एरियाज हैं वो आपको यहां पर देखना है। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, आंसर इसका होगा स्पष्ट रूप से न तो संवेदी और न ही चालक, ना तो वो सेंसरी और ना ही मोटर है। क्योंकि सहभागी क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो ब्रेन के कौन से पार्ट में मिलते हैं, जो प्रमस्तिष्क वल्गुट या सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसे अपन कहते हैं, वहां पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये ना तो क्या है, ना तो ये क्या है संवेदी और ना ही चालक है। तो करते क्या है, तो संवेदी और जो चालक है उसके बीच का एसोसिएशन है ये। ठीक है, उसके बीच में जो कनेक्शन, एसोसिएशन की जो बात करें उसके बीच का क्या है कनेक्शन यहां पर प्रोवाइड यहां पर करेगा, तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा तीसरा। फिर लिखा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जैसे यहां पर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट स्टेटमेंट जो लिखा है वो यहां पर मैं बता दूंगा आपको। स्पष्टतया न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं और न ही क्या होते हैं संवेदी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न यहां पर लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट लिखा है स्तनधारियों में रासायनिक सिनेप्स अधिक पाए जाते हैं, दूसरा लिखा है स्तनधारियों में वैद्युत सिनेप्स अधिक पाए जाते हैं, तीसरा लिखा है वैद्युत सिनेप्स में आवेग संचरण रासायनिक सिनेप्स की तुलना में तीव्र होता है, और चौथा लिखा है रासायनिक सिनेप्स में आवेग संचरण वैद्युत सिनेप्स की तुलना में तीव्र होता है। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, क्या केवल सेकंड सही है, केवल सेकंड और थर्ड सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड सही है, या सभी सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट लिखा है स्तनधारियों में रासायनिक सिनेप्स अधिक पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टेटमेंट यहां पर आप देखेंगे तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा ये यहां से। ठीक है, वैद्युत सिनेप्स से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष के आवेग के संचरण के समान होता है, मतलब फास्ट होता है। विद्युतीय सिनेप्स से आवेग संचरण रासायनिक संचरण से तुलना में अधिक तीव्र होता है, और हमारे तंत्र में मतलब मनुष्य में विद्युतीय जो सिनेप्सिस है वो क्या होते हैं बहुत कम यहां पर मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास सही है। उसके बाद में दूसरे स्टेटमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो वो क्या है स्तनधारी में वैद्युत संचरण अधिक पाया जाता है, गलत यहाँ पर ये हो चुका है। तीसरा लिखा है वैद्युत संचरण में आवेग संचरण रासायनिक संचरण की तुलना में तीव्र होता है, स्टेटमेंट सही है। और चौथा लिखा है रासायनिक संचरण में आवेग संचरण, तो ये भी यहाँ पर गलत। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या है सही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न में अपन चलते हैं, यदि माइलिन अच्छत को माइलिन अच्छत युक्त तंत्रिका रेशे में से हटा दी जाए तो, और माइलिन अच्छत भी तंत्रिका रेशा बना दिया जाए तो आवेग संवहन में क्या घटित होगा। तंत्री के संवहन अपरिवर्तित रहता है, दूसरा विकल्प लिखा है तंत्री के संवहन के वेग में कमी रहेगी, तीसरा लिखा है तंत्री के संवहन बढ़ेगा, चौथा लिखा संवहन यहां से अवरुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो यहां पर आपके पास आंसर होगा वो होगा कनेक्शन यहां पर अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अपन पहले भी पढ़ते हैं जो न्यूरॉन स्ट्रक्चर देखते हैं उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से माइलिन अच्छत वहां पर होता है,
तो अपन जो स्ट्रक्चर देखते हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, अंदर और बाहर अपन जो आवेगों का संचरण पढ़ते हैं, तो यहां पर आपके पास माइलिन अक्ष, जैसे इसको सिंपल सा आप लोग समझो, ये कोई पाइप है, इसके अंदर से पानी जा रहा है सर। अब इस पाइप का बाहर वाला जो भी आपका पास मेटेरियल है उसको मैं हटा दूं तो क्या बचेगा, क्या पानी आगे जा पाएगा? ऐसे इतना सा ये आपको पाइप दे रखा है, यहाँ से इतने से वाले पार्ट को, इससे आगे वाले जो पार्ट उसको मैं हटा देता हूँ तो पानी केवल यहाँ तक ही जाएगा, उसके आगे तो खुला ही रहेगा, फैल जाएगा यहाँ पर। तो सेम वैसे ही बात है, आगे पानी नहीं जा पाएगा, सेम वैसे यहाँ पर जो संवहन है वो नहीं हो पाएगा, इतने से आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं, तो हाइपोथैलेमस लिम्बिक तंत्र के साथ मिलकर भाग लेता है। पहला ऑप्शन लिखा लैंगिक व्यवहार का नियमन, दूसरा लिखा मनोभावना की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, बदला या फिर तीसरा लिखा उत्साह, और चौथा लिखा है उपरोक्त सभी। तो सिंपल सा आंसर है, आप वीडियो को पॉज कर करके बीच में आंसर, अगर आपको टाइम लेना तो आप ले सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, सभी सभी जो है वो इसका आंसर है। ए ध्रुवीय न्यूरॉन की उपस्थिति सर्वप्रथम किस संघ में देखी गई, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा। ए पोलर न्यूरॉन जिसे अपन कहते हैं, किसके अंदर देखी गई, कौन से संघ में देखी गई? तो इसका जो आंसर आपके पास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सिलेंड्रेटा। फिर लिखा है नेक्स्ट प्रश्न, रेनवियर के एक नोड से अगले तक क्रिया विभव होता है, नोडल संवहन, उच्छलन, उच्छलन उद्दीपन और चौथा लिखा है यांत्रिक संवहन। रेनवियर के एक नोड से दूसरे नोड पर जो आपके पास संवहन होता है वो होता है सोलिटरी कंडक्शन या उच्छलन, जिसे अपन कहते हैं एक से दूसरे पे जा रहा वो उच्छलन है, ठीक है। उद्दीपन नहीं होगा यहाँ पर, उद्दीपन का मतलब तो स्टिमुलेशन यहाँ पर हो गया, आप उसे स्टिमुलेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ स्टिमुलेशन के बाद की प्रोसेस यहाँ से ये पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं, तो श्वान कोशिका की उपस्थिति होती है मात्र परिधीय तंत्रिका तंत्र में, मात्र सोमेटिक तंत्रिका तंत्र में, मात्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में और चौथा लिखा उपरोक्त सभी में। श्वान कोशिकाएं जो होती है वो कहां पर होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या सभी में? तो इसका आंसर आपके पास होगा, सिंपल सा एनसीईआरटी में गिवन है, उपरोक्त सभी में, ठीक है। उपरोक्त सभी में अगर आप देखेंगे यहां से तो आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके पास आता है, नीचे दिए गए चित्र में अंकित संरचनाओं के निम्न से कौन सा कथन ए सत्य है, जैसे यहां पर दे रखा है ए, बी, सी और ये डी। एनसीईआरटी का ही यहां पर ये क्या है, चित्र यहां से लिया है मैंने सिंपल सा, ठीक है, एनसीईआरटी का चित्र यहां से लिया है। तो अब आपको यहां से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ए सत्य यहां पर है। तो जो ए लिखा है वहां पर निसेल ग्रेन्यूल उपस्थित होता है, ये ए जो लिखा है यहां पर क्या होता है, निसेल ग्रेन्यूल उपस्थित होता है, क्योंकि जो ए है यहां पर ये क्या है, ये तंत्रिकाक्ष को यहां से बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो बी लिखा है, ठीक है, उसके बाद में आपके पास जो बी लिखा है वो क्या लिखा है, इसमें तंत्रिका संरचना संचारी अणुओं के ग्राही पाए जाते हैं। तो बी जो लिखा है ये वाला लिखा है, और तो बी अपने पास ये क्या लिखा है, बी है सिनेप्टिक पुट्टिका, ये सिनेप्टिक पुट्टिका लिखा है। फिर उसके बाद में सी ऑप्शन अपने पास लिखा है माइलिन आवरण अनुपस्थित, ये लिखा सी यहां पर। तो सी आपके पास क्या हो गया, रेनवियर के नोड यहां पर ये हो गया, रेनवियर के नोड। और चौथा आपके पास लिखा है धूसर द्रव का भाग, जो डी आपके पास लिखा है ये धूसर द्रव का भाग, तो डी आपके पास कोशिका यहां पर हो चुका है, जिसके अंदर केंद्रक अपन को मिल रहा है। तो यहां इसने क्या पूछा है, कौन सा कथन ए सत्य है, तो दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा है ना वो दूसरा कथन वो ए सत्य यहाँ पर है, इसमें तंत्रिका संचारी अणु के ग्राही पाए जाते हैं। तो बी में ग्राही नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो जो केमिकल है वो यहाँ से आपको मिलता है, सिनेप्टिक पुटिकाओं से जो रिलीज होता है वो यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं, तो ये जब एक तंत्रिका तंतु की उद्दीपित किया जाता है तो झिल्ली का आंतरिक भाग हो जाता है, एसिटाइल कोलिन से भर जाता है, ऋणात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित या चौथा लिखा उपरोक्त सॉरी उदासीन। जब एक तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित किया जाता है तो उसके झिल्ली का आंतरिक भाग, आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि अंदर ज्यादा क्या होता है, जब विराम कला की बात करते हैं तो अंदर ज्यादा क्या होता है और बाहर क्या होता है, ठीक है। विराम कला विभव जिसे अपन यहां पर सिंपल सा कहते हैं, जब उद्दीपित किया जाता है तो वहां पर वो क्या हो जाता है, चंजरता क्रियात्मक विभव की अपन यहां पर बात करते हैं, आ रही बात सुन, धनात्मक आवेशित हो जाती है, ठीक है, जब आपका किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपन देखेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा जो आपके पास लिखा है वो यहां से क्या लिखा है, वो यहां पर आपके पास धनात्मक आवेशित हो जाता है। फिर लिखा है निसेल के पिंड मुख्यतः किसके बने होते हैं, निसेल ग्रेन्यूल जिसे अपन कहते हैं रूपांतरित, एसिया जिसे अपन कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा लिखा प्रोटीन एवं लिपिड, तीसरा लिखा है रूपांतरित आरिया जिसे अपन कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका, और चौथा लिखा डीएनए और आरएनए।
तो निसेल के ग्रेन्यूल आपके पास किसके बने होते हैं, तो वो आपके पास होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक के बने होते हैं। प्रोटीन की अगर वहां पर बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक का काम क्या है वहां पर, रफ उससे अपन इसीलिए कह रहे हैं अंत परद्रव्य जालिका, क्यों, क्योंकि वहां पर राइबोसोम मिलते हैं, राइबोसोम मुख्य क्या करता है, प्रोटीन का काम करता है संश्लेषण का, ठीक है। फिर लिखा, कथन लिखा, सिनेप्टिक गुटिकाओं में संचित रसायनों को तंत्रिका संचारी कहते हैं, या जिसे अपन कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। कारण लिखा, सिनेप्टिक गुटिकाओं द्वारा ये रसायन सिनेप्टिक खांच में मुक्त स्त्रावित किए जाते हैं। तो कथन ए जो लिखा है वो, और कथन आर जो कारण आर लिखा, दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण दे रहा है। दूसरा लिखा है कि दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं दे रहा है। तीसरा लिखा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा लिखा कि ए और आर दोनों ही यहां पर क्या है, गलत है। तो इसका जो आपके पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सिनेप्टिक पुटिकाओं में संचित रसायनों को तंत्रिका संचारी या न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अभी कुछ समय पहले आपको एक चित्र बताया था यहाँ पर, सिनेप्टिक पुटिकाओं का ये वाला चित्र यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर होता है एसिटाइल कोलिन वगैरह जो केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, और उन्हें अपन न्यूरोट्रांसमीटर या तंत्रिका संचारी कह रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट जो लिखा है वो सही लिखा, कथन यहाँ पर सही है। कारण की बात करते हैं तो सिनेप्टिक पुटिकाओं द्वारा ये रसायन सिनेप्टिक खांच में मुक्त स्त्रावित किए जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर स्त्रावित किए जाते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन सही यहाँ पर नहीं है। स्त्रावित कर रहे हैं इसलिए वहां पर है, लेकिन उद्दीपन के बाद की प्रोसेस होती है या मैसेज आगे वाले न्यूरॉन तक जाता है तब वो वहां पर काम होता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट देते तो अपन सही से कह देते तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, निसेल कणिकाएं किसमें अनुपस्थित होती है, कोशिकाएं, कोशिकाकाय, एक्सोन, ध्रुमाक्षी या डेंड्राइट जिसे अपन कहते हैं, और चौथा ऑप्शन लिखा है दो और तीन दोनों। ये तो इजी सा प्रश्न, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। कहां पर अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित की ये बात कर रहा है, तो जो एक्सोन है वहां पर क्या होता है, अनुपस्थित होता है जो निसेल ग्रेन्यूल से वो। फिर दिया गया चित्र जो मानव तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक संगठन का है। चित्र में ए बी सी डी और ई को आपको पहचानना है, सिंपल सा। इसमें आप टाइम ले सकते हैं, मैं आपको 10 मिनट का टाइम, 10 सेकंड का टाइम देता हूं और इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। तो 63 वाला जो क्वेश्चन यहां पर आपके पास लिखा है इसका आंसर देखेंगे तो ए जो आपके पास है वो कौन सा है, यहाँ पर ए और बी जो बताया जा रहा है, दो प्रकार के जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में बताया जा रहा है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर आते हैं, एएनएस के आते हैं, या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे अपन कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। और बी जो आपके पास लिखा है जिसके अंदर सोमेटिक यहाँ पर लिखा है इसी से पहचानेंगे, वो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा। सी जो आएगा वो यहाँ पर एक तो सोमेटिक हो गया, दूसरा आपके पास कौन सा होगा, परिधि जिसे अपन कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और डी और ई जो लिखा हुआ आपके पास क्या होगा, अनुकंपी और परानुकंपी यहां से होगा। तो ए में एएनएस किस में आ रहा, दूसरे में आ रहा, और चौथे में आ रहा है यहां पर। बी में सीएनएस केवल दूसरे में आ रहा, तो अपना आंसर हो जाएगा दूसरा। फिर लिखा है, मस्तिष्क के आवरणों का अंदर से बाहर का सही क्रम कौन सा है, एरेकिनोइड, पाया मेटर, ड्यूरा मेटर। पाया मेटर, एरेकिनोइड, ड्यूरा मेटर, ड्यूरा मेटर, एरेकिनोइड, पाया मेटर, और ड्यूरा मेटर, पाया मेटर और अरेकिनोइड। 64 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर इजी सा है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, इसी में कंफ्यूज कर सकता है। यहां पर अंदर से बाहर इन्होंने पूछा है, तो यहां अपन सीक्वेंस देखते हैं। तो मेनिंजल जिन्हें कहते हैं अपन कपालीय मेनिंजल्स, बाहरी परत होती है ड्यूरा मेटर की, ठीक है, मध्य वाली होती है एरेकिनोइड की, और आंतरिक होती है पाया मेटर की। तो इस हिसाब से अपना जो आंसर है, इस हिसाब से जो अपना आंसर यहां पर होगा वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, दूसरा यहां पर हो जाएगा, पाया मेटर, एरेकिनोइड और ड्यूरा मेटर, ठीक है। डीएपी से अपन याद रख सकते हैं, डीएपी से, ठीक है, बाहर से अंदर का। तो उल्टा आप करेंगे तो समझ जाएंगे आप। सम अवस्था बनाने हेतु अंगों के कार्य में समन्वय अत्यधिक आवश्यक होता है, ये कथन लिखा है। सम अवस्था को अपन कहते हैं होमियोस्टेसिस। कारण लिखा, सम अवस्था समन्वता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है, वे एक दूसरे अंगों के कार्य में मदद मिलती है। तो कथन और कारण दोनों सही है, ये ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तो ये तो सेम ही होगा ना यार, ये वाले ऑप्शन तो नहीं।
कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, और कथन ए तथा कारण आर दोनों यहां पर गलत है। तो 65 का जो आंसर यहां पर होगा वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। सिंपल सा यहां पर ये कह रहा है सम अवस्था या होमियोस्टेसिस जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक जो मेंटेनेंस है जिसे अपन कह रहे हैं वो बना के आपको रखना है, वो आपके पास क्या सम अवस्था है, जैसे पीएच हुआ, तापमान हुआ या और भी कुछ हुआ। तो इसको बनाए रखने के लिए अंगों के कार्य में क्या होना चाहिए, समन्वयता होना चाहिए। जैसे हाइपोथैलेमस क्या करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वो तो वहां से रेगुलेट करेगा, लेकिन जैसे मान लो तापमान बढ़ रहा है तो इसके क्या करेगी, वहां से पसीना आना शुरू कर देगा, ठीक है, स्वेटिंग हो जाएगी, ठीक है, वो आपके पास सर्दी लग रही है तो स्किन से या अपने बॉडी को कंपकंपाहट होने लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है केवल एक जगह से हो रहा, ये कंट्रोल है, तो स्टेटमेंट सही है आपके पास। दूसरा लिखा है कि समन अवस्था में, समन्वता में एक ऐसी क्रिया है जिसके कारण दो या दो से अधिक अंगों की क्रियाशीलता बढ़ती है और एक दूसरे के कार्य में मदद करती है। ये भी स्टेटमेंट अपने पास क्या सही है, तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड जिसका भी आंसर है वो सही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न लिखा, नीचे दिए गए में से कौन सा विकल्प तंत्रिका आवेगों के उत्पन्न एवं संचरण से संबंधित है। ध्रुवीकरण लिखा है, सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है। विध्रुवीकरण लिखा है, पोटेशियम वोल्टेज गेट जो चैनल वो यहां से बंद हो जाता है। तीसरा लिखा पुनः ध्रुवीकरण, एक्रिय विसरण रुका हुआ है। और चौथा लिखा अति ध्रुवीकरण जिसमें सोडियम वोल्टेज गेट जो चैनल गेट या चैनल जिसे अपन कह रहे हैं वो यहां पर क्या है खुले हुए हैं। तो 66 का जो आंसर है वो भी आप फटाफट से बताएंगे, एनसीईआरटी का ही है, इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं। 5 सेकंड का समय है, 1 2 3 4 5। तो कौन सा विकल्प ये पूछ रहा है तंत्रिका आवेग के उत्पन्न एवं संचरण से संबंधित सही है, ठीक है, तो जो वी ध्रुवीकरण वाला है वो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप पहले की जो मैंने अभी थ्योरी बताई थी कुछ समय पहले उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, तंत्रिका तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। कारण लिखा, अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। कथन ए और आर दोनों ही सही है, तो सेम हो चुका है पहले जैसा, ठीक है, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन सेम हो चुका है, बोनस हो गया, ठीक है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, और कथन ए और कारण आर दोनों यहां पर क्या है गलत है। फटाफट से इसका आंसर आप सोचेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो काम अपना क्या हो जाएगा आसान यहां से हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय, त्वरित का मतलब फास्ट, क्विक, बिंदु दर बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ यहां पर होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, घबराने की जरूरत नहीं है। कारण लिखा, अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता, तो सही बात है, तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका होगी और अंतःस्रावी तंत्र में क्या होगा हार्मोन होगा, दोनों ही कारण क्या है सही है। तो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो जिसने आपने लिखा वो दोनों ही सही हो जाएगा। फिर लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा पोन्स में उपस्थित होता है, ब्रोका का क्षेत्र, मोटर क्षेत्र, न्यूमोटॉक्सिक केंद्र और स्वाद तंत्र। न्यूमोटॉक्सिक केंद्र पोन्स में, इसको याद रखने की ट्रिक भी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, पोन्स में होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, पोन्स में होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो पी से पी आपको ध्यान रखना है, पोन्स का पी से पी आपको ध्यान रखना है, काम आसान हो जाएगा, एनसीईआरटी में गिवन है। फिर लिखा, सहभागी क्षेत्र संबंधित नहीं है, या एसोसिएशन एरिया की जो अपन बात करें, अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन आया था यहां से, अंतर संवेदी सहभागिता या इंटर सेंसरी एसोसिएशन। दूसरा लिखा, स्मरण या मेमोरी जिसे अपन कहते हैं, याददाश्त जिसे अपन कहते हैं। तीसरा लिखा, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति एवं लैंगिक व्यवहार। चौथा लिखा, संपर्क सूत्र जिसे अपन कहते हैं कम्युनिकेशन। किससे जुड़ा हुआ यहां पर नहीं है ये पूछ रहा है ऐसा, ठीक है, संबंधित क्षेत्र नहीं है उससे ये पूछ रहा है। तो सहभागी क्षेत्र में अपन ने पहले ही कहा था कि ना तो वो मोटर है ना ही वो क्या है एसोसिएशन की अपन ने बात की थी वहां पर, ठीक है, मतलब चालक भी नहीं है और वो भी नहीं है, ठीक है, दोनों ही नहीं है वहां पर, बस उन दोनों को काम करता है एक दूसरे के साथ में जोड़कर। तो मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति और लैंगिक व्यवहार है वो लिम्बिक सिस्टम यहां पर आपने सुना होगा वो करता है, ये नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में अपन चलते हैं, तो प्रक्रिया जिसके द्वारा दो या दो से अधिक अंग सहभागिता दर्शाते हैं तथा एक दूसरे के कार्य हेतु प्रोत्साहन देते हैं वो कौन सी है, होमियोस्टेसिस, समन्वय, समायोजन या अनुकूलन। सिंपल सा इसका यहां पर आंसर होगा जिसे अपन कहते हैं समन्वय। फिर लिखा, निम्न में से किसमें श्वसन हृदय परिसंचारी परिपथ
प्रतिवर्तन और पाचक रसों के श्रावण के नियंत्रण केंद्र होते हैं, हाइपोथैलेमस, मध्यांश पोन्स या अनु मस्तिष्क। इसका भी सिंपल सा आंसर होगा, जिसको मध्यांश नहीं पता इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, मेडुला उसे कहते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा आपने सुना होगा, जिसमें मोस्ट ऑफ दी जो सेंटर है वो होते हैं, ठीक है, श्वसन का, पाचन का जो चैप्टर हटा दिया गया, ठीक है, सर्कुलेशन की अपन बात करते हैं, तो मध्यांश इसका आंसर हो जाएगा, मेडुला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, यदि किसी दुर्घटना में व्यक्ति जल संतुलन, भूख और शरीर के तापमान पर नियंत्रण खो देता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो सकता है? अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस या थैलेमस। अब ये आपको पता होना चाहिए कि शरीर का तापमान नियंत्रण कहां से हो रहा है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस से, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट लिखा, क्रियात्मक विभव के शिखर पर पहुंचने के तुरंत पश्चात कौन से कोशिकीय गेट खुलते हैं? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, दूसरा लिखा है क्लोराइड वोल्टेज गेटेड चैनल, तीसरा लिखा है कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल और चौथा लिखा है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्रियात्मक विभव के शिखर पर पहुंचने के तुरंत पश्चात, शिखर पर वो पहुंच चुका उसके बाद में, ठीक है, कौन से गेट यहां से खुल रहे हैं? तो इसका जो आंसर यहां पर आपके पास होगा वो कौन सा होगा, पोटेशियम वोल्टेड गेटेड चैनल, पोटेशियम वाला यहां पर वापस से खुल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिम्बिक तंत्र द्वारा नियंत्रित नहीं यहां पर होता है? लिम्बिक सिस्टम जो भी कुछ समय पहले बताया था, उत्तेजना, लैंगिक व्यवहार, मनोभावना और चौथा ऑप्शन यहां पर लिखा है श्वसन। उत्तेजना, एक्साइटमेंट, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन और लिखा है रेस्पिरेशन। 74 का सिंपल सा यहां पर आंसर होगा श्वसन, बाकी श्वसन को छोड़ करके सारा ही देखता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा, तंत्रिका आवेग के उत्पन्न होने का सही क्रम कौन सा है? सोडियम के लिए पारगम्यता का बढ़ना, क्रियात्मक विभव का उत्पन्न होना, ध्रुवीय झिल्ली के एक स्थल पर उद्दीपन का दिया जाना, चौथा लिखा है, डी लिखा है पोटेशियम के लिए पारगम्यता का बढ़ना और ई लिखा है झिल्ली विभव का पुनः संग्रहण। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है, वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो होता है सही क्रम, इसने पूछा सबसे पहले होता है ध्रुवीय झिल्ली के एक स्थल पर उद्दीपन का दिया जाना, बिना उद्दीपन के तो अपन कोई काम ही नहीं कर सकते, तो सी किस किस के अंदर दिख रहा है, दूसरे और तीसरे के अंदर दिख रहा है, देन उसके बाद में सीधा सा पता चल रहा है ए होगा, सोडियम के लिए पारगम्यता बढ़ जाएगी, उसके बाद में क्या होगा बी होगा, क्रियात्मक विभव का उत्पन्न होना, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, क्रियात्मक विभव का उत्पन्न हो चुका उसके बाद में आपके पास होगा पोटेशियम के लिए पारगम्यता बढ़ना और वापस से क्या होगा सबसे लास्ट में झिल्ली विभव का पुनः संग्रहण, तो अपना जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति का वह चरण जहां सोडियम चैनल तथा पोटेशियम चैनल दोनों बंद रहते हैं तथा सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप खुले रहते हैं, ऑप्शन पहला लिखा है ध्रुवीकरण, दूसरा लिखा है विध्रुवीकरण और तीसरा लिखा है पुनः ध्रुवीकरण और चौथा है पहला और तीसरा दोनों। सोडियम चैनल और पोटेशियम दोनों बंद रहते हैं, बट सोडियम पोटेशियम 3Na2K+ आपने सुना होगा या फिर 2K+ 3Na, दोनों में से कौन सा सही है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। जब सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप खुले रहते हैं तो वो होती है ध्रुवीकरण। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं जैसे कि विरामावस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयन्स की तुलना में पी के लिए अधिक पारगम्य है, ठीक है, यहां पर अपन दो बिंदु ले लेते हैं, ये पहला लिखा है पी और ये दूसरा लिखा है क्यों, क्यों जिसे अपन कह रहे हैं क्यों नहीं क्यों, विरामावस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयन्स के लिए की तुलना में पी के लिए अधिक पारगम्य जबकि क्यू के लिए लगभग ए पारगम्य है, तो सोडियम से कंपेयर कर रहा है कि पी जो है वो क्या पोटेशियम है, वो कैल्शियम है या सोडियम है या और कुछ है, ठीक है, और जबकि क्यू के लिए क्या है वो लगभग ए पारगम्य है। इसी प्रकार से तंत्रिकाक्ष झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित आर के लिए
ए पारगम्य होती है, तो यहां से पी क्यू आर आपको सिंपल सा बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, सोच लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहां जो P होगा, P के लिए अधिक पारगम्य है, इसका मतलब आपके पास क्या है, P आपके पास होगा पोटेशियम। P यहां पर क्या होगा, पोटेशियम प्लस यहां पर होगा। Q के लिए लगभग A पारगम्य है, तो Q आपके पास यहां पर क्या होगा, जो ऊपर दे रखा है वही यहां पर सोडियम होगा। और R की ये बात कर रहा है, ठीक है, तंत्रिका झिल्ली तंत्रिका द्रव्य में उपस्थित, तो R के लिए क्या होती है, A पारगम्य होती है, तो R क्या धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है, तो वो आपके पास होगा नेगेटिव, जो यहां पर आवेश जो प्रोटीन है वो यहां पर होगा। तो देखेंगे तो अपने को दूसरा आंसर यहां पर मिल जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर 78 लिखा, एक्स उद्दीपनों को सीएनएस से अनैच्छिक अंगों तक, जबकि वाई उद्दीपनों को सीएनएस से ऐच्छिक अंगों तक स्थानांतरित करता है, तो एक्स और वाई यहां पर क्या है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे अपन कहते हैं, और बाकी तो समझ में आ ही रहा आपको, ठीक है। पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधि तंत्रिका तंत्र जिसे अपन कहते हैं। तो सिंपल सा इसका यहां पर आंसर हो जाएगा, एक्स जो है वो यहां पर क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और वाई जो लिखा वो क्या है, कायिक, ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसे अपन कहते हैं, भी कुछ समय पहले ही आपको यहां से बताया था। तो ये पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका सिंपल सा एनसीईआरटी का यहां पर चित्र लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सादृश्य को पूर्ण करें। लिखा है अंतःस्रावी तंत्र रासायनिक समन्वय बनाता है, हार्मोन द्वारा तंत्रिका तंत्र रासायनिक समन्वय बनाता है, ठीक है। तो हार्मोन द्वारा, न्यूरो ट्रांसफर द्वारा, एंजाइम द्वारा, या न्यूरो ट्रांसमीटर द्वारा। ये सिंपल सा कह रहा है, कंप्लीट द एनालॉजी विद रेस्पेक्ट न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र रासायनिक समन्वय बनाता है हार्मोन द्वारा, और तंत्रिका तंत्र रासायनिक समन्वय बनाता है, ये दो स्टेटमेंट लिखा। पहला स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां से लेकर, पहला जो स्टेटमेंट लिखा है वो यहां से लेकर यहां तक पूरा हो रहा है, ये वाला, ठीक है। अब तंत्रिका तंत्र रासायनिक समन्वय किससे बनाता है, तो तंत्रिका तंत्र रासायनिक समन्वय यहां से बनाता है न्यूरो ट्रांसमीटर द्वारा। आगे बस तंत्रिका तंत्र किससे बना रहा है, न्यूरो ट्रांसमीटर द्वारा। फिर उसके बाद में दिया गया है, दी गई सूची में से कितने हार्मोन पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन सम्मिलित है, एस्ट्राडायोल इंसुलिन कोर्टिसोल ग्लूकागोन प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। सिंपल सा आंसर यहां पर आपके पास हो जाएगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो इंसुलिन और ग्लूकागोन की अगर अपन बात करते हैं वो यहां पर इसी नेचर के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दो इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न में अपन चलते हैं, तो हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित हार्मोन का न्यूरो हाइपोफाइसिस तक संचरण किनके द्वारा होता है, हाइपोफाइसियल नीवाहिका परिसंचरण, दूसरा लिखा है एक्सोन स्थानांतरण, तीसरा लिखा है रक्त द्वारा, और चौथा लिखा है लिम्फ द्वारा। 81 में हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित हार्मोन का न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो कि किसका पार्ट है, पिट्यूटरी का, ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट द्वारा इसका होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास दिया गया है, महिलाओं में ऑक्सीटोसिन प्रसव या बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय में अत्यधिक संकुचन और स्तन ग्रंथि से दुग्ध के निष्कासन को उत्तेजित करता है, ऑक्सीटोसिन वाला जो हार्मोन है वो। दूसरा कारण यहां पर लिखा है इन्होंने, ऑक्सीटोसिन शरीर में चिकनी पेशियों के संकुचन को उत्तेजित करता है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी दे रहा है। दूसरा लिखा है कि दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तीसरा लिखा है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और चौथा लिखा है कि दोनों ही यहां पर क्या है, गलत है। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये आपको सिंपल सा पता है, चिकनी पेशियों पर को संकुचित करता है, जिससे बर्थ में भी हेल्प मिलती है, और बाकी जो बर्थ में हेल्प मिलेगा मतलब यूट्रस की अगर अपन बात करते हैं, मायोमेट्रियम वगैरह, ठीक है, गर्भाशय में वहां पर काम करेगा, लेकिन बाकी जगह जो चिकनी पेशी है वहां पर भी तो काम करेगा। तो
तो संकुचन करवाएगा, अत्यधिक संकुचन करवाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और स्तन ग्रंथि पर जब काम करेगा दुग्ध के निष्कासन को भी उत्तेजित करेगा। मतलब जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर लिखा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पैराथायरॉइड हार्मोन को स्रावित करवाने के लिए पैराथायरॉइड ग्रंथि को उत्तेजित करेगी। पहला लिखा सक्रिय विटामिन डी स्तर में कमी, दूसरा लिखा रक्त में कैल्शियम प्लस टू स्तर की कमी, तीसरा लिखा अस्थि में कैल्शियम प्लस स्तर की कमी, और चौथा लिखा रक्त में कैल्शियम प्लस टू स्तर की वृद्धि। कौन सी स्थिति पैराथायरॉइड हार्मोन को स्रावित करने के लिए पैराथायरॉइड ग्रंथि को उत्तेजित करेगा? जब आपके पैराथायरॉइड करता क्या, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, और जब कम होगी तब वो यहां पर उसको उत्तेजित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न में अपन चलते हैं, तो नेक्स्ट मिलेगा आपको एक एंडोडर्मल ग्रंथि एक जो बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है तथा विरोधी हार्मोन का एक युग्म स्रावित करती है, ये ग्रंथि एक कौन सी, यकृत, जनद या गोनेड जिसे अपन कहते हैं, थाइमस या अग्नाशय। सिंपल से इसका आंसर आपके पास होगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर जिसके अंदर मिलेंगे वो कौन सा होगा, पैनक्रियाज, यहां से होगा अग्नाशय। निम्न में से कितने हार्मोन आरबीसी की संख्या को बढ़ाते हैं, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, वृद्धि हार्मोन, कोर्टिसोल, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और एपिनेफ्रिन। ऑप्शन लिखे 3, 4, 2, 5। सिंपल से इसका यहां पर आंसर होगा आरबीसी की संख्या बढ़ाने वाला जो है, एक तो एरिथ्रोपोइटिन तो आपके पास है ही, नो डाउट सिंपल सा है, एरिथ्रोपोइटिन के साथ साथ में थायरोक्सिन और जो कोर्टिसोल है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है, कोर्टिसोल क्या कर रहा है यहां पर आरबीसी की नंबर बढ़ाने में यहां से हेल्प कर रहा है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन से स्टेरॉइड लैंगिक हार्मोन द्वितीयक लैंगिक अंगों को प्रभावित करता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन तथा एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स तथा प्रोजेस्टेरोन, और चौथा लिखा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा प्रोजेस्टेरोन। सिंपल सा यह प्रश्न है, लैंगिक हार्मोन द्वितीयक लैंगिक अंगों को प्रभावित करते हैं, तो वो आपके पास यहां पर सिंपल सा हो जाएगा एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित, हमारे शरीर की 24 घंटे या दैनिक लय जैसे कि सोने जागने का चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है, कैल्सिटोनिन, प्रोलेक्टिन, एड्रिनलिन और मेलेटोनिन। सिंपल से इसका यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेलेटोनिन। लिखा नेक्स्ट अंडोत्सर्ग मुख्य रूप से हार्मोन से नियंत्रित होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलेक्टिन। तो सिंपल सा इसका भी आंसर हो जाएगा एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहां से सिंपल सा। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न है, लक्ष्य कोशिका पर पेप्टाइड हार्मोन की क्रिया किसके द्वारा मध्यस्थ होती है, कोशिका द्रव्यग्राही, चक्रीय एटीपी, चक्रीय एएमपी, केंद्रकीय ग्राही। ठीक है, एटीपी और एएमपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट साइक्लिक वाला है जो, उसके बारे में सिंपल सा बात कर रहा है। एनसीईआरटी में ये भी आपके पास दिया हुआ है, लक्ष्य कोशिका पर जो टारगेट सेल है उस पर मध्यस्थ मतलब बीच में जो आता है वो आपके पास कौन सा आएगा, साइक्लिक एएमपी, चक्रीय एएमपी आएगा। नेक्स्ट लिखा निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल अंतःस्रावी ग्रंथियां शामिल है, थाइमस तथा वृषण, अधिवृक्क तथा अंडाशय, पैराथायरॉइड तथा अधिवृक्क, और चौथा लिखा अग्नाशय तथा पैराथायरॉइड। केवल अंतःस्रावी की बात कर रहा है, तो अपना सिंपल सा इसका आंसर आएगा पैराथायरॉइड और अधिवृक्क। ये क्या है, केवल अंतःस्रावी, अग्नाशय क्या है, वही भी होता है, अभी कुछ समय पहले अपन ने देखा था यहां पर वृषण और वापस अंडाशय की ये बात कर ही रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट में लिखा है वह हार्मोन जो दूध के स्रावित को प्रेरित करता है, दुग्ध निर्माण को उत्तेजित करता है तथा अंडाशय पुटिकाओं को की वृद्धि को प्रेरित यहां से करता है, कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे उसके बाद में आंसर यहां से बताएंगे। एक तो अपन ने कुछ समय पहले ही डिस्कस यहां से किया था, दुग्ध के स्रावण की जो बात कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा, ठीक है, स्राव को प्रेरित कर रहा है। निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण में प्रोलेक्टिन आपके पास आता है, और फोलिकल्स की बात करते हैं, अंडाशय पुटिकाओं की बात करें तो फोलिकल से फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, तो दूसरा अपने पास यहां पर हो जाएगा।
लिखा ए सामान्य त्वचा, एबनॉर्मल स्किन एंड डीप म्यूटिज्म, गूंगा बहरा किससे संबंधित है? डायबिटीज से, ग्रेव रोग से, या डायबिटीज मेलाइटस से? ऊपर लिखा है एंसिपिडस और चौथा लिखा है क्रेटनिज्म। किससे यहां से प्रभावित ये हो रहा है? तो वो आपके पास आएगा सिंपल सा, क्रेटनिज्म। फिर लिखा है दिए गए कितने हार्मोन झिल्ली योजित ग्राही तथा अंतरा कोशिकीय ग्राही के साथ परस्पर क्रिया करते हैं? ठीक है, झिल्ली योजित ग्राही एम कह रहा है सिंपल सा ही, और जो कोशिका है के अंदर जाकर काम करेगा उसे आई कह रहा है, ठीक है, इंट्रासेल्यूलर। तो कितने यहां पर है आपको देखना है, LH, MSH, एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, आयोडोथायरोनिन, कोर्टिसोल, ग्लूकागोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। फटाफट से देखेंगे वीडियो को पॉज करके। इसको मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद में आप खुद को ही आपको आंसर यहां से आ जाएगा। जो हॉर्मोन्स की बात करते हैं अपन, दो कैटेगरी में से अपन डिवाइड करते हैं हॉर्मोन्स को, ठीक है। एक तो वाटर सोल्यूबल होता है जो जल में घुलनशील है, और दूसरा एक घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल जल विलेय जिसे अपन कहते हैं, और दूसरा जल अविलेय जिसे अपन कहते हैं, जो जल में विलयशील नहीं है। जल विलेय की बात करते हैं, टोटल अपने पास कितनी कैटेगरी होती है? टोटल अपने पास एनसीईआरटी में गिवन है चार। पीसा से आपको याद रखना है, गेहूं को पिसाए उससे, ठीक है। पी का मतलब पेप्टाइड, आई का मतलब आयोडो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन इसके अंदर आएगा, आई का मतलब आयोडीन वाले, एस का मतलब स्टीरॉइड, और ए का मतलब अमीनो अम्ल व्युत्पन्न वाले होंगे, ठीक है। तो ये चार कैटेगरी आपके पास, इसके बाद में आंसर आप खुद ही बता दोगे। चार कैटेगरी जल विलेय वाले होंगे, उससे अपन कहते हैं पानी से, आपको याद रखना है पानी, ठीक है, पानी, जल को अपन पानी कहते हैं। तो पानी को मैं इस प्रकार से लिखता हूं, पी और ए। तो पी और ए आपके पास पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड और ए वाला अमीनो वाला आएगा, तो जल विलेय है, ठीक है। कोशिका की जो झिल्ली बनी होती है वो किसकी बनी होती है? कोशिका की झिल्ली में लिपिड भी होता है यहां पर, तो लिपिड अगर होगा तो लिपिड सोल्यूबल है तब तो अंदर चला जाएगा, जल वाला होगा तो बाहर से काम करेगा, तो बाहर से काम करने वाला एम होगा, एम में पेप्टाइड और अमीनो वाला आएंगे वो यहां पर आए, और बाकी जो वसा विलेय होंगे वो अंदर चले जाएंगे इंट्रा सेल्यूलर जिसे अपन कह रहे हैं। तो बाकी बचा कौन सा? आयोडीन और स्टीरॉइड वाले जो हार्मोन है वो अंदर यहां से चले जाएंगे। यही आपको यहां से खोजना है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, सिंपल सा आंसर इसका 5 और 5 होगा। कौन कौन से होते, कौन से नहीं होते, इतना सा तो आपको खोजना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके पास लिखा है ए और डी को, ए से डी को पहचानिए, और सही विकल्प का आपको यहां से क्या करना है, चुनाव करना है। तो फटाफट से देखिएगा, काम आसान हो जाएगा। दिख रहा है चित्र, दिख रहा है यहां से? मुझे भी नहीं दिख रहा, तो आपको कैसे दिखेगा? ये रहा सी, एनसीईआरटी के चित्र, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये रहा डी, ये रहा बी, और सबसे लास्ट में ये रहा ए। एनसीईआरटी का ही चित्र है। ए जो आपके पास होगा या डी से अपन चले, तो डी आपके पास क्या होना चाहिए? हार्मोन होना चाहिए, क्योंकि हार्मोन आएगा तब वो काम करेगा। कहां तक जा रहा है वो? केंद्रक तक जा रहा है, अंदर। तो केंद्र कौन सा होना चाहिए? जो बी आपके पास लिखा है वो केंद्रक होना चाहिए। सी जो लिखा है वहां पर केंद्रक के अंदर क्या होता है, आरएनए और डीएनए की बात करते हैं, तो सी आपके पास जो यहाँ लिख रखा है, ये देख भी रहे हैं इस प्रकार से बना रखा है, इस प्रकार से, तो ये एमआरएनए है एक्चुअल में। और वहां पर एमआरएनए जब मिलेगा इसके साथ में हार्मोन के साथ में, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, संकुल बनाएंगे। और जो आपके पास सबसे लास्ट में लिखा है वो कौन सा लिखा है? बी जो लिखा है वो केंद्रक हो चुका है, सी हार्मोन, ग्राही संकुल हो चुका है, डी हार्मोन हो चुका, तो आंसर इसका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हृदय की आलिंद भित्तियों द्वारा स्रावित ए एन एफ या एट्रियल नेट्रे यूरेटिक फैक्टर या हार्मोन जिसे अपन कहते हैं, का कार्य जोना ग्लोमेरुलेसा द्वारा स्रावित किस हार्मोन के विपरीत होता है? एडीएच, दूसरा लिखा एल्डोस्टेरोन, तीसरा लिखा है एंड्रोजन, चौथा लिखा है कैल्सीटोनिन। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? एल्डोस्टेरोन यहां से होगा, या आप जब एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ते हैं उसके अंदर भी यहां पर आता है एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। में आपसे एक सवाल पूछ के जाता हूं यहां से, कि ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा या यहां से घटाएगा, और कहां से ये रिलीज हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न में अपन चलते हैं 96 पे। तो 96 में आपको ब्लैंक्स दे रखिए। ये ए है कि जक्सा ग्लोमेरुलर कोशिका, यहां पर बी हो गया ये, नामक पेप्टाइड हार्मोन का उत्पादन करता है जो सी को प्रेरित यहां से करता है। तो ए बी सी आपको यहां से सिंपल सा पहचानना है। पहला ऑप्शन लिखा है थायराइड एरिथ्रोपोइटिन रक्ताणु उत्पत्ति, दूसरा लिखा है वृक एरिथ्रोपोइटिन रक्ताणु उत्पत्ति, तीसरा लिखा है वृक रेनिन रक्ताणु उत्पत्ति, और चौथा लिखा है प्लीहा एरिथ्रोपोइटिन रक्ताणु उत्पत्ति। तो ए की जक्सा ग्लोमेरुलस कोशिका, ए यहां पर होना चाहिए, वृक किडनी होना चाहिए, वहां से हार्मोन जो रिलीज होता है वो क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता था, अभी पहले ही आया था क्वेश्चन, जो क्या करेगा आरबीसी की संख्या यहां से बढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है एक्सोनल झिल्ली पर एक उत्तेजना के आवेदन पर उस स्थल पर पोटेशियम का तीव्र प्रवाह हो रहा है, उस स्थल पर सोडियम प्लस का तीव्र से प्रवाह हो रहा है, उस स्थल पर सोडियम का तीव्र प्रवाह हो रहा है और उस पर पोटेशियम का तीव्र प्रवाह हो रहा है। जब उत्तेजना आएगी एक्सोनल की ये बात कर रहा है, ठीक है, जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसकी ये बात कर रहा है। जब उत्तेजना यहां पर आएगी तो आपके पास सिंपल सा क्या हुआ, सोडियम प्लस का तीव्र प्रवाह हो रहा है। नेक्स्ट लिखा तंत्रिका तंत्र जो शरीर के तापमान एवं खाने की इच्छा को नियंत्रित करता है, तो सिंपल सी बात है हाइपोथैलेमस इसका आंसर यहां से होगा। 99 प्रश्न की बात करें तो ग्रेव्स रोग को एक्सोथैल्मिक गोइटर भी कहा जाता है, और कारण लिखा नेत्र गोलक का बाहर निकलना, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना ग्रेव रोग के मुख्य लक्षण है। ग्रेव रोग को एक्सोथैल्मिक गोइटर कहते हैं, एक्सोथैल्मिक का मतलब बाहर की ओर जो आ रही है, ठीक है, सही बात है, नेत्र गोलक का बाहर आना सही बात है, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना ग्रेव रोग का मुख्य लक्षण है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट और जो रीजन है वो सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा वृद्धि हार्मोन के संदर्भ में ए सत्य कथन है, इस श्रावण अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है, यह वृद्धि ये शरीर की वृद्धि को उद्दीपित करता है, सोमेटोस्टेटिन इसका मुख्य इसका श्रावण संदमित करता है, और यह रक्त ग्लूकोज स्तर को घटाता है। वृद्धि हार्मोन के बारे में अपन को क्या बताना है, ए सत्य कथन यहां से बताना है। तो पहला जो लिखा है अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है, सही बात है। दूसरा लिखा सोमेटोस्टेटिन इसका सॉरी ये शरीर की वृद्धि को उद्दीपित करता है, तो नाम से ही पता चल रहा है वृद्धि करेगा, सही है। तीसरा लिखा सोमेटोस्टेटिन इसका श्रावण संदमित करता है, ये भी सही है, इनहिबिटर है। चौथा लिखता है रक्त ग्लूकोज स्तर को घटाता है, तो यहां पर तो ग्लूकोज की अपन बात करते ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा यहां से गलत हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर के रहे सारे प्रश्न। आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं है, और अगर आपको डाउट है तो आपके लिए डाउट के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुले हैं। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है, एनसीईआरटी हुआ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ या कोई टेस्ट पेपर हुआ, इसकी पिक्चर आप कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करके नहीं पूछ सकते। तब आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं आपको अराइजन करियर एकेडमी से मिलूंगा, जो अपना नाम है उसी से आपको मैं मिल जाऊंगा, वहां आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।